नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहां पे जो ग्रिड ड्रॉ करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं जो HB पेंसिल लूंगा और स्केल लूंगा, और ये पेपर जो है आईवीरी सीट का ब्रूस्ट का ग्रे टोन पेपर है, जिसका परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन ही दे दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। रेफरेंस फोटो का लिंक भी मिल जाएगी, और ऑफलाइन मतलब फोटो आपको अगर चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम में विजिट करना होगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते रहो, यहाँ पे ये इस जो रेफरेंस फोटो हम ड्रॉ करने वाले, ये एक आर्ट कमीशन में भी दिया गया, आप लोगों को बताई है सोम्स आर्ट जी के चैनल में, तो उनके चैनल में भी आर्ट रेफरेंस पर दिया गया। तो इस रेफरेंस पर हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो किन किन को इस आर्टो का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करूँगा इस आर्टो को ड्रॉ करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल, तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मिलीमीटर करके रखना है, और 15-15 डिस्टेंस देते जाना है, और इसके अपोजिट साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद इन डॉट को जो है आपको पैरेलली जोड़ते जाना है। उसके बाद इस तरफ से भी आपको करना है वही काम, आपको इस तरफ से भी 15 मिलीमीटर डिस्टेंस देना है, मतलब 1.5 सेमी करके डिस्टेंस देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस इसके अपोजिट साइड में भी करना है। उसके बाद इन डॉट्स को जो है इस तरह से वही काम पैरेलली जोड़ते जाना है। तो यही प्रोसेस मैं करूँगा, उसके बाद अगला प्रोसेस आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। तो मैंने ग्रिड को जो है पूरा तैयार कर दिया है, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया गया है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जितना भी होना चाहिए उतना दे दिया है, और इस तरफ से भी है, आप देख सकते हो। तो अब हमें रेफरेंस फोटो का आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम कैसे ढूंढना है वो मैं बता दूंगा। आप लोग अगर नहीं पता है तो मैं जैसे जैसे ड्रॉ करता हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। यहाँ पे कौन से नंबर वाले लाइन के ऊपर मैं कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको ऑब्जर्व करना है, और इस हिसाब से ड्रॉ करते जाना है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा मिस्टेक क्या हुआ, आपको ध्यान से देखना है, ये मिस्टेक कई सारे लोग कर देते हैं इस मेरे से लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आउटलाइन फेस का आउटलाइन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट किया है मैंने 7-8 नंबर जो हॉरिजेंटली है लाइन, उससे मैंने स्टार्ट किया ऊपर से। तो ये इसे स्टार्ट करना चाहिए 9 और 10 नंबर वाले हॉरिजेंटल लाइन, आप लेफ्ट साइड देखेंगे लेफ्ट साइड से तो आपको पता चलेगा। तो ये मिस्टेक ऐसा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो फेस और हेयर्स का डिस्टेंस काफ़ी कम दिख रहा है, तो इसको मैं दोबारा से इरेज करके फिर से जो है 9 और 10 नंबर लाइन से स्टार्ट, जहाँ से जो आंखों का आईब्रो स्टार्ट हुआ है वहाँ से जो फेस का ऊपर का जो आउटलाइन है वो स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये मिस्टेक आप मत करना, आपको बस जो आउटलाइन हमने ड्रॉ किया था फेस का पूरा परफेक्ट है, पर जो है नंबर अलग में हमने जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप रेफरेंस फोटो में देखो, रेफरेंस फोटो में ग्रिड मेथड से ही दिया गया है, वहाँ पे आउटलाइन हर एक नंबर का जो ग्रिड में कन्वर्ट करके ही दिया गया है आपको, तो उसको देख कर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, और वीडियो को देखते रहो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में बता देना।
देख सकते हो जो फेस का आउटलाइन, उसको मैंने रिपेयर करके ठीक कर दिया। वैसे मैंने फेस को ही इरेज करके दोबारा ड्रॉ किया, तो आप भी थोड़ा जल्दी वल्दी करके, अगर हर बारी में आप लोगों का, सब लोगों का गड़बड़ तो हो ही जाता है, इसलिए देखो ध्यान से। अगर आप भी कर रहे हो मिस्टेक तो फिर से ठीक कर लो।